साथ। हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन बनता ही है और बनेगा, पूछा ही जाएगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट ये करंट अफेयर है। और हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जितने भी अभी लेटेस्ट में जितने जगह के नाम परिवर्तन हुए हैं, उसमें क्या ज़िला था, यानी कि किस शहर का नाम था और क्या अब हो गया है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे और जितने भी अभी तक नाम चेंज हुए हैं आज हम उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि अगर अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी कोई वीडियो बनेगी तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम सारे चैप्टर्स वाइज मैथ के और चैप्टर वाइज रीजनिंग के सारे टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अभी वीडियो हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, कुछ प्रॉब्लम है, समय नहीं मिल पा रहा है इस वजह से, बाकी हम अदरवाइज सारी चीज़ें कवर करेंगे। और जब शुरू करूँगा तो पूरा डिटेल में समझेंगे और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें समझेंगे। मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता कि आपको मैं दो चार क्वेश्चन करा के और उसको छोड़ दिया जाए और सारी चीज़ें बस ऐसी ट्रिक बता दी जाए। तो मैं ट्रिक नहीं बताऊँगा, मैं आपको पूरा बेसिक डिटेल में पढ़ाऊँगा और सारी चीज़ें आपको कहीं भी क्लास करने की नहीं पड़ेगी, और जो भी पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और पूरा टोटली कवर करूंगा, कि भी कोई टाइप ट्रिक भी बताऊंगा और डिटेल में भी बताऊंगा, सारी चीज़ें समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलाहाबाद का जो नाम परिवर्तन हुआ है दोस्तों, इलाहाबाद जो है ये यूपी का एक जो है डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इलाहाबाद का जो नाम हुआ दोस्तों, उसका नाम पहले इलाहाबाद था और बहुत पहले इसका प्रयागराज था, लेकिन फिर भी इसको दोबारा से फिर से अभी नया जो लेटेस्ट बदल दिया गया है उसको फिर से प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। और दूसरा है जो दोस्तों अयोध्या था, अयोध्या से सटा हुआ एक फैज़ाबाद है, तो वहाँ पे उस फैज़ाबाद को भी उन्होंने अयोध्या में ही कन्वर्ट कर दिया और साथ में फैज़ाबाद का नाम भी बदल कर क्या हो गया है, अयोध्या हो गया है, ठीक है। पहले अयोध्या और फैज़ाबाद दो अलग अलग थे, लेकिन अब अयोध्या के ही नाम से जो है फैज़ाबाद को भी, उसका भी नामकरण जो नया हुआ है वो हो गया है अयोध्या, ठीक है। अयोध्या नदी जो है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सरयू नदी के किनारे स्थित राम जन्मभूमि है यहाँ पर जो है, जिसके लिए अभी विवाद भी चल रहा है काफ़ी चीज़ें। और इलाहाबाद जो है दोस्तों, इलाहाबाद जो है यहाँ पर आप सभी को पता है यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पर जो है संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का जो है वहाँ पर नदी मिली हुई है, तो वहाँ पर हम संगम भी कहते हैं, उसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है और फैज़ाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया है, ठीक है। तीसरा जो नाम आता है दोस्तों, वो हमारा है कि नया रायपुर, ठीक है। इसका जो नाम बदल कर किया गया है, इसको नाम बदल कर किया गया है अटल नगर, ठीक है। अटल नगर इसका नाम हो गया है। अगला है ना दोस्तों हमारा फोर्थ नंबर है, इसका नाम जो है हज़रतगंज चौराहा है, ठीक है। हज़रतगंज चौराहा का नाम इसका बदल कर दिया गया है अटल चौक कर दिया गया है। तो दोस्तों, हज़रतगंज जो चौराहा है ये जो है लखनऊ का एक चौराहा है, हज़रतगंज बहुत ही अच्छा चौराहा है, वो फेमस है, वहाँ पर मार्केट भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये हज़रतगंज चौराहा है, तो इसका नाम अटल चौक कर दिया गया है, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो नया नाम बना है, वो उसका नाम कर दिया गया है दोस्तों अटल पथ किया गया है, ठीक है। क्या नाम किया गया है, अटल पथ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, बहुत ही क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड है क्वेश्चन और आ भी सकते हैं, तो इसलिए हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगला नंबर है कि मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन था दोस्तों, उसका जो नाम बदल कर किया गया है, उसको दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया है। और नेक्स्ट है दोस्तों शिमला का नया नाम जो किया गया है, उसका श्यामला यानी कि प्रस्तावित है, अभी ये प्रस्तावित अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा, श्यामला किया गया है, ठीक है। शिमला का नया नाम है उसका श्यामला, ठीक है। अभी ये प्रस्तावित है, हो जाएगा इसका भी, ठीक है। अगला नंबर है अहमदाबाद का जो नाम है दोस्तों, उसको किया गया है कर्णावती, ये भी प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है, पर ये प्रस्तावित है, हो जाएगा, ठीक है। और अगला है जो दोस्तों जो 9 नंबर है, वह है आगरा एयरपोर्ट का जो नाम किया गया है, वह है दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कांडला बंदरगाह, ठीक है। कांडला बंदरगाह का जो नया नाम है, उसको दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, कांडला बंदरगाह को, ठीक है। अगला है गुड़गांव, यानी कि गुड़गांव का नया नाम जो अभी किया गया है, वो है गुरुग्राम कर दिया गया है, ठीक है, गुरुग्राम हो गया है। नेक्स्ट है, एक लास्ट है जो क्वेश्चन हमारा बनता है, वह गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम जो है, गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम किया गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, ठीक है। यह गोरखपुर यूपी में पड़ता है, तो इसका नया नाम कर दिया गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, ठीक है। बाबा योगी नाथ आदित्यनाथ जी ने किया है, अपने नाम पर उन्होंने बना दिया है ये बाबा महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे इतने सारे क्वेश्चंस थे और यहाँ इतने सारे नाम परिवर्तित हुए हैं। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली, ठीक है।
तो आप इसको याद करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, थैंक यू वेरी मच।